गरोठा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के घर को लेकर हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल जेल में बंद दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ जो गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, आज उस कार्रवाई के चलते फिलहाल पुलिस ने न्यायालय के जो आदेश है उस आदेश पर गैंगस्टर के तहत ये जो आरटीओ के पास उनका भवन बना हुआ है जिसे बंगला कहा जाता है, फिलहाल उस बंगले को आज आप देख रहे हैं कुर्क कर दिया गया है, उसे सील कर दिया गया है। भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल पहुंचा, भारी फोर्स की मौजूदगी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस बंगले को फिलहाल सील कर दिया गया है। देख सकते हैं दीपनारायण सिंह के जो परिजन है वह इस बंगले से सामान लेकर बाहर जा रहे हैं। यह बड़ी कार्रवाई हुई है दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के झांसी आने के बाद फिलहाल दीपनारायण सिंह के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, आज मून सिटी में भी जो संपत्तियां दीपनारायण सिंह यादव के नाम थीं उन्हें भी कुर्क कर लिया गया है। यह हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दीपनारायण सिंह यादव के आरटीओ के बंगले के अलावा मून सिटी और अन्य जगहों पर करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे फिलहाल और क्या कार्रवाई होती है। हम आपको अधिकारियों का वो वर्जन सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि आज दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। के आदेश के क्रम में 14-1 की कार्रवाई करते हुए इसमें दीपनारायण उर्फ दीपक का जो आवास है आरटीओ कार्यालय के बगल, इसको कुर्क करके सीज किया गया है और इसके साथ साथ अन्य भी संपत्तियां हैं जो सीज की जा रही हैं। कौन सी संपत्तियां हैं सर? आज एक जो मून सिटी है वहां पर संपत्तियां हैं वो, और बनगुआ में एक जमीन है वो, और मैरी में एक प्लाट है वो, ये सभी मिला करके संपत्तियां सीज की गई हैं और उनको कुर्क किया जा रहा है। इसमें लगभग आज ही लगभग 250 करोड़ 237 करोड़ की संपत्ति है जिसको हम लोग सीज कर रहे हैं। क्या संपत्ति भी है? इसमें हाँ गाड़ियाँ भी हैं, जिसमें कुछ गाड़ियाँ भी हैं उनको भी सीज करने की कार्रवाई की। मून सिटी में कौन सी प्रॉपर्टी? पूरा मून सिटी किया गया? नहीं, मून सिटी पूरा नहीं है, जो संपत्तियाँ अभी विक्रय नहीं हुई हैं, जो विक्रय होने हैं तो शेष हैं जो इन्हीं के नाम है वो सीज।